दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि काइन मास्टर का जो है वाटर मार्क, उसको कैसे रिमूव किया जाता है। जो ऑफिशियल तरीका है रिमूव करने का, उसे किस तरीके से रिमूव किया जाता है। चाहे आप कोई भी वीडियो ले लीजिए, वीडियो को जब यहां पे इंटर करेंगे तो यहां पे देखिए वाटर मार्क आपका आ जाएगा। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वाटर मार्क आ जाएगा। इसी वाटर मार्क को रिमूव करने के लिए यहाँ पर आपको जो लीगल तरीका है वो जो है पैसा दे के आपको करना पड़ेगा, वाटर मार्क हटाना पड़ेगा, यानी कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, वहाँ पे मनी ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। गूगल प्ले स्टोर में मनी ऐड करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन का आप उपयोग कर सकते हैं, चाहे डेबिट कार्ड, चाहे क्रेडिट कार्ड, चाहे गूगल पे, चाहे फ़ोन पे, चाहे पेटीएम। तो हमारे पास अभी अवेलेबल है पेटीएम, तो हम पेटीएम पे क्लिक कर लेंगे। इंटर करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है कोई भी एप्लीकेशन, जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, उसका रिचार्ज वाले सेक्शन में आप जाएंगे। तो यहाँ पे हम पेटीएम से कर रहे हैं, रिचार्ज वाले सेक्शन में हम जाएंगे। उसके बाद यहाँ ऑल सर्विस पे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे थोड़ा सा और ऊपर, तो यहाँ पे देखिए गूगल प्ले रिचार्ज का एक ऑप्शन है, तो इस जगह क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आप कितना अमाउंट यहाँ पे इंटर करना चाहते हैं, यानी कि गूगल प्ले स्टोर में कितना बैलेंस ऐड करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे 1200 इंटर करना चाहते हैं। तो ये इंटर करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन है प्रोसीड टू पे, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कह रहा है आप किस विधि से पे करना चाहेंगे, चाहे ICICI बैंक, चाहे डेबिट कार्ड, चाहे क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे मेरा लिंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसी से हम पे कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जो है अपना UPI पिन डाल देंगे। तो UPI पिन डालने के बाद यहाँ पे राइट वाले निशान पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगा, तो गूगल प्ले स्टोर में ये बैलेंस मेरा ऐड हो जाएगा। अभी जो है प्रोसेसिंग ही हो रहा है, जैसे कि आप मेरे को यहाँ पे देख रहे हैं, ये अभी तक सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन अब जो है सक्सेस हो चुका है और ये मैसेज भी आ चुका है। तो यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसको ऊपर हम दिखा देते हैं। ये मेरा जो है गूगल प्ले स्टोर में देखिए रिचार्ज कोड जो है यहाँ पे 1200 का सक्सेस हो चुका है, ये मेरे रिचार्ज कोड है। उसके बाद चलिए हम आपको मैसेज में लेके चलते हैं। तो मैसेज में आया है कोड, यहाँ पे देखिए पेटीएम का आया है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे 1200 का जो कोड आया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए इस यही है, यहाँ पे देखिए ये सब कोड ही है, तो इसको जो है हम कॉपी कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ये सारा टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, या नहीं तो आप किसी भी जगह व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं। जो फालतू का है उसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पे देखिए इसको भी हम कट कर देंगे जो फालतू का है, ये जो मेरा काम का जो है कोड है इसी को हम रखेंगे। तो चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये आप किसी भी जगह कर सकते हैं, कोई ज़रूरी ना है। उसके बाद चलिए हम प्ले स्टोर पे आते हैं। तो यहाँ पे प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे, या नहीं तो इसको नेम रीलाइन का एक ऑप्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए रिडीम गिफ्ट कोड, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ये पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए जो भी आपको कोड आया है मैसेज के द्वारा, 1200 का कोड जो आया है उसको यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए हम पेस्ट कर चुके हैं, ये जो है कोड बस एक ही टाइम आपका वैलिड रहेगा, बार बार के लिए वैलिड नहीं रहेगा। उसके बाद रिडीम पे हम क्लिक करेंगे। तो रिडीम पे क्लिक करने के बाद पहले मेरा 100 रुपया था, अब यहाँ पे 1300 रुपया हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कन्फर्म, देखिए मेरे 1200 का आ चुका है। उसके बाद हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद उसके बाद देखते हैं, इसके बाद नोट नो पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद चलिए हम आपको पेमेंट दिखाते हैं फिर से। यहाँ पे गूगल प्ले जो है प्रोफाइल मेरा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन पे आ जाएंगे फिर से। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पहले 100 रुपया था, 1200 रुपया लोड किए, यानी कि 1300 रुपया हो गया। उसके बाद आपको जो है अब प्ले स्टोर में बैलेंस तो ऐड हो चुका है, अब आपका आसानी से काइन मास्टर का जो प्रीमियम वर्जन है आपका यहाँ पे बाय हो जाएगा, आप खरीद पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी भी वाटर मार्क है, क्योंकि अभी हम नहीं खरीदे हैं। तो खरीदने के लिए आपको जो है
सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 9 पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 9 पे क्लिक कर दे। बेसिस का प्लान आएगा, ईयरली बेसिस का प्लान आएगा, तो यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगता है तो आपको फ़ायदा है लेने में ईयरली बेसिस पे, यानी कि साल भर का लीजिएगा तो यहाँ पे बहुत आपको बेनिफिट हो जाएगा, नहीं तो मंथली में आपको 249 रुपया देना पड़ेगा। तो चलिए हम 1299 पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो है 1300 रुपया बैलेंस है, आपका जो है 1299 रुपया आपको पे करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सब्सक्राइब 9 पे जो है क्लिक कर देंगे। जिस भी ईमेल में आपका पैसा है तो उसी ईमेल का यहाँ पे आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे वही ईमेल का पासवर्ड दे देंगे। पासवर्ड देने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपका प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। ये देखिए सब्सक्राइब हो गया है, यानी कि सब्सक्रिप्शन आपका हो गया। उसके बाद मैनेज सेटिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए गूगल प्ले स्टोर में 1 रुपया बैलेंस है, जो कि आपका 1299 रुपया कट चुका है। तो यहाँ पे आप जो है सब्सक्रिप्शन इसी तरीके से ले सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए वाटर मार्क मेरे में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे वाटर मार्क हट चुका है। तो इसी तरीके से आप जो है काइनमास्टर का सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।